हेलो, नमस्कार दोस्तों। 12 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो पहला आर्टिकल दिया गया है ये एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया के बारे में दिया गया है कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या फ्यूचर में स्कोप है और गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसीज वगैरह बना रही है। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ये आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल मेन पेज पर, इस आर्टिकल में एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशंस के बारे में बताया गया कि किया है कि दोनों को सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरीके से फ्यूचर की एडवाइस वगैरह दी गई हैं कि दोनों को शांतिपूर्वक रहना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के इश्यूज़ को सॉल्व वगैरह करना है। तो उस तरीके के पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इस आर्टिकल में और भी दो चार पॉइंट्स बताए गए, ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि सारे केवल एडवाइस दी गई हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सुझाव दिए गए हैं कि इंडिया को भी सॉफ्ट होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के इश्यूज़ पर और पाकिस्तान को भी सॉफ्ट होते हुए अप्रोच है वो लेके आनी चाहिए था, दोनों को तालमेल बैठाना चाहिए। इसी के बाद जो दोनों के बीच इश्यूज़ हैं उन पर डिफरेंस जो भी पैदा किए गए उनको सोल्व है वो किया जा सकता है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को किस तरीके से इंप्रूव किए जा सकते हैं, उसके लिए सुझाव दिए गए हैं कि दोनों को शांतिपूर्वक काम करना चाहिए इस वाले रीजन में ताकि दोनों देशों में शांति बने रहे और दोनों देश हैं वो एक दूसरे की बातों का आदर करें और आगे है सम्मानपूर्वक बढ़ते रहें। नेक्स्ट जो ये आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है ये एक्चुअली खेल से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। इसमें बस वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे आप इसका यूज है वो कर सकते हो। इसमें बेसिकली एक पॉइंट ये दिया गया है कि वुमेन है वो बच्चे की डिलीवरी के बाद भी काफ़ी मतलब एक तरीके से उनका जो काम होता है, जो भी अगर चाहे वो क्रिकेट खेल रही हो या फिर और भी गेम खेल रही हो, मैंने यहाँ पे टेनिस की बात की जा रही है कि उनका काफ़ी अच्छा स्कोर वगैरह रहा है। तो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, बस आप एक बार आप देख लेना हल्का सा हेडिंग वगैरह, कुछ मेरे को तो कुछ इतना खास इसमें लगा नहीं है। नेक्स्ट ये आर्टिकल यहाँ पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल दिया गया है। ये आर्टिकल एक्चुअली ये बता रहा है कि इंडिया है वो किस तरीके से रीजनल रोल है, अपने आप के रीजनल रोल को रीडिफाइन है वो कर रहा है। तो इस आर्टिकल को भी हम यहाँ पे डिस्कस है वो करने वाले हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो दिया आज आर्टिकल में बताया गया है कि जो ट्रंप हैं और जो नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग हैं उनके बीच में अभी बातचीत है वो शुरू होने वाली है, उसको लेकर इस आर्टिकल में दिया गया है। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली पॉलिटिक्स रिलेटेड है। इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि भाई जिस तरीके से कांग्रेस है वो अपनी और जो पार्टी दल है उनके मतलब जो कांग्रेस के और जो पार्टी दल है साथ में जो उसके साथ काम करते हैं वो पार्टी दल आपस में एक साथ मिल रहे हैं और एक साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कैसे न कैसे बीजेपी को हरा जाए। और इसी के साथ बीजेपी है वो अपने जो अलायंस हैं जैसे कि शिवसेना वगैरह हुई या और भी जो पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी हुई रीजनल पार्टी उनके साथ मिलजुल के सामने आ रही है ताकि दोनों के बीच में टक्कर है वो अच्छी हो सके और अपना जो दाम अपना जो पक्ष है उसको मजबूत किया जा सके। तो पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल है तो हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है इसमें पॉइंट। ये जो यहाँ पे आर्टिकल है ये एक्चुअली इसमें भी कुछ इतना खास वगैरह इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी गई है, तो ये आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस है वो नहीं करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया के बारे में। देखो कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि नीति आयोग ने भी एक ड्राफ्ट और एक पेपर है वो रिलीज़ किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किस तरीके से गवर्नमेंट है वो काम करने वाली है, कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या स्कोप है और कहाँ कहाँ किस तरीके से इसका यूज़ वगैरह है वो किया जाना है। तो एक मोटा मोटा आप बोल सकते हो कि इसे खाका तैयार किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, कि भाई हमें कैसे वगैरह काम करना है। तो देखो सबसे पहले बात ये आती है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। देखो ये वर्ड काफ़ी बार आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मशीन के अंदर कृत्रिम बोल सकते हो एक तरह से आर्टिफिशियल जो बुद्धिता है जो इंटेलिजेंस है दिमाग है वो फिट करना, मतलब मशीन के अंदर दिमाग को फिट करना वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरीके से रोबोट है वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। हमने फ़ोनों में काफ़ी बार काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखे हैं कि हम एक इनपुट देते हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं, अपने आप वो प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। कई बार जैसे हम जब गेम खेलते हैं तो देखते हैं कि एक पार्ट है वो हम खेलते हैं दूसरी दूसरा पार्ट है वो कंप्यूटर मोबाइल वो खुद खेलता है। तो जो कंप्यूटर मोबाइल जो खुद अपनी साइड से गेम मतलब जो प्लेयर बन के खेलते हैं वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। मतलब कि उस कंप्यूटर या जो भी वो प्रोग्राम है उसके अंदर एक्चुअली से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है कि भाई किस तरीके से इस गेम को आगे है टैकल है वो करना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में। वैसे देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वो इंक्लूड होती हैं। जैसे कि हमने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था बिग डेटा के बारे में, तो वो भी एक कहीं ना कहीं बिग डेटा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही कनेक्टेड है। तो इस तरीके से इसका काफ़ी बड़ा रूप है वो यहाँ पे हो जाता है। अब देखो बात ही की जाती है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ कहाँ स्कोप है, तो मेनली जो नीति आयोग का जो ड्राफ्ट है ना इसमें 5 सेक्टर को फोकस किया गया है कि इन इन एरियाज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो काफ़ी ज़्यादा किया जा सकता है, मतलब और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं वो मिल सकते हैं।
सबसे पहले बात की जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे ड्रोन वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, या फिर किसानों की जो भी इनकम है डबल करने की बात गवर्नमेंट द्वारा की गई है, तो इसके लिए फसल के लिए उचित दम बीज वगैरह बनाए जाने हैं, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज़ किया सकता है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए किसानों को फ़ायदा है वो पहुँचाए जा सकते हैं। इसके बाद बात आती है एजुकेशन की। देखो एजुकेशन के सेक्टर के अंदर तो ऑब्वियसली रिसर्च वगैरह बढ़ेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। इसके साथ ही जैसे कि टीचिंग वगैरह है उसके ऑनलाइन प्रोग्राम वगैरह मिल जाएंगे, कंप्यूटर्स वगैरह जो मैथमेटिक्स की क्वेश्चन वगैरह है वो सोल्व करने में, या फिर और भी काफ़ी सारी एल्गोरिदम वगैरह उनको सोल्व करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी अहम रोल है वो होता है। इसके बाद में बात आती है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में आप देख सकते हो कई बार काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक तरीके सर्जरी वगैरह होती है, ऑपरेशन वगैरह, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है वो किया जाता है। कई बार से किडनी ट्रांसप्लांट हो या फिर जैसे लीवर में स्टोन वगैरह कहीं भी हो, तो उन सारी चीज़ों में भी एक तरीके से कंप्यूटर रोबोट है उनका यूज़ किया जाता है ताकि उन समस्याओं का निदान है वो किया जा सके। इसके साथ ही काफ़ी बार हम देखते हैं जैसे कि जो अल्ट्रासाउंड है उसकी हेल्प से हम डायग्नोस वगैरह करते हैं। इसके साथ ही और भी सारे जैसे एक्सरे है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। तो मतलब हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी सारा स्कोप है इंडिया में, और आपको पता है कि अभी हेल्थ सेक्टर में इंडिया की हालत है वो कुछ थोड़ी टाइट है, इसलिए इस सेक्टर में भी इंडिया को काफ़ी फायदा होगा और इंडिया की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका भी समाधान है वो किया जा सकता है। इसके बाद में आता था स्मार्ट सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना हो तो हमें प्रोजेक्ट को क्लियर करना होगा, इसके साथ ही प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं जैसे कि हमें कई भी जो भी डायग्राम वगैरह बनाते हैं किसी बिल्डिंग वगैरह का हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस वगैरह हुआ या उसकी डिज़ाइन वगैरह हुआ, तो वहाँ भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी अलार्म वगैरह उन सारी चीज़ों में। तो देख सकते हैं एक तरीके से हम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। खैर किसी न किसी सेक्टर में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका यूज़ है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप जो आजकल टच स्क्रीन वाले स्विचेज वगैरह आ रखे हैं बिल्डिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ उससे ही कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद में बात की जाती है ट्रांसपोर्ट की। देखो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है वो काफ़ी आगे लगातार बढ़ रही है। जैसे ही कुछ टाइम पहले ही गूगल ने अपनी एक कार लॉन्च की थी जिसमें ड्राइवरलेस जो कार के नाम से जानी जाती थी, तो वो भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। तो इसलिए ये मेन जो पाँच एरियाज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट फोकस करने की बात है वो कह रही है, मतलब गवर्नमेंट ने अपना एक मोटा मोटा खाका तैयार किया है और इन सेक्टर पर फोकस करने की बात है वो कही गई है। अब राइटर देखो ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप उठाने की बात तो कह दी है कि हमें ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे हमें स्कोप है हमारे पास, हमें ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बट बजट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो कोई भी काम करना है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए चाहिए, बट गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट में कहीं पैसे वैसे की कोई बात है वो नहीं किए। तो गवर्नमेंट को केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट को इस दिशा में बजट है वो भी लेके आना होगा, पैसा है वो भी वितरित करना होगा, तभी इस सेक्टर में प्रॉपर बेनिफिट है वो मिल सकते हैं। इसके साथ ही बातें की जा रही है कि देखो भाई चाइना है ना उसका रोल काफ़ी अहम हो गया है। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में लगातार है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इवन देखा जाए तो यूएसए वो भी काफ़ी आगे है बहुत ज़्यादा, देखा जाए तो यूएसए हुआ, रसिया हुआ, जापान हुआ, यूके वगैरह ये जैसे कंट्रीज हैं काफ़ी आगे हैं, बट फिर भी चाइना का जो प्लान है, चाइना का जो चाइना की स्पीड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब ये है सीधा सीधा कहने का कि चाइना की जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया को भी वहाँ से कुछ सीखना चाहिए। इसके साथ ही जो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा जैसे कि भी चाइना ने रिसेंटली काफ़ी सारे टीचर्स हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम वो स्टार्ट की हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो उसी तर्ज पर इंडिया को भी ट्रेनिंग वगैरह स्किल देने के लिए लीड रोल निभाने के लिए सारे स्टेप उठाने होंगे, तभी इंडिया इस चीज़ का इस सेक्टर का पूरा फायदा है उठा सकता है। इसके बाद में देखो बात की जा रही है कि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें रिसर्चेज की काफ़ी डिमांड होती है। कहने को तो इंडिया में काफ़ी सारे रिसर्चेस हैं जैसे IIT हुआ, फिर IAS बेंगलोर हुआ, वहाँ पे रिसर्चेज बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते कि काफ़ी रिसर्चेज हैं, बट उसके बाद भी जो क्वालिटी चाहिए इंडिया को वो क्वालिटी नहीं है। रिसर्चेज होना एक अलग बात है, बट जो टॉप लेवल की जो क्वालिटी चाहिए इंडिया को उस क्वालिटी का अभी भी इंडिया के पास अभाव है। तो इंडिया को इस क्वालिटी को पाने के लिए सबसे पहले रिसर्चेज हैं उनको प्रमोट करना होगा, और इसी के साथ सबसे अहम बात आती है वो आती है बजट। भाई गवर्नमेंट को पैसा ना उसका मैनेजमेंट कहीं से करना होगा, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक रिसर्चेस भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो IIT वगैरह जो रिसर्चेस हैं वहाँ पे उनको गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो लोग आगे बढ़ें और इस वाले एरिया में रिसर्च वो आगे प्रमोट की जा सके। इसके बाद में देखो बात की जा रही है जैसे कल हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था ना कि बिग डाटा वाली बात है कि गवर्नमेंट जो बिग डाटा है उसका यूज़ करते हुए काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह बना सकती है। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि देखो गवर्नमेंट के पास डाटा तो काफ़ी सारा हो गया है, बट जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास है सिंक्रोनाइज वे में नहीं है। मतलब गवर्नमेंट के पास डाटा है ना एक जैसे यहाँ हुआ है किसी एरिया का किसी एरिया का, मतलब डाटा क्या बिखरा हुआ पड़ा है, तो उससे दिक्कत क्या आ रही है कि गवर्नमेंट उस डाटा को एक जगह है ना एक जगह एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं कर पा रही है, मतलब सेंट्रलाइज डाटा वो नहीं बना पा रही है, और उसकी वजह से जो पॉलिसीज वगैरह वो ढंग से नहीं बन पा रही
रही हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो भी डाटा है ना उसको एक ऑर्गेनाइज वे में इकट्ठा करना चाहिए और एक सेंट्रलाइज डाटा सिस्टम बना के और फिर उसका यूज हो करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे देश में स्कोप वगैरह है इसका वहाँ पर प्रॉपर ढंग से इसका यूटिलाइजेशन है वो किया जा सके। क्योंकि देखो आज का टाइम वो लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में बूम बूम की गति पर फैल रहा है। तो हमें जिस तरीके से चाइना आगे अग्रसर है हमें वहाँ से भी कुछ सीखना चाहिए और उसके साथ ही हमारे देश के रिसर्च हैं उनको आगे प्रमोट करते हुए और जो भी हमारे देश का डाटा है उसको एक साथ हमें यूज है वो करना चाहिए। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में की गई हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी आप ये नोट्स वगैरह बनाते हो मतलब एडिटोरियल वगैरह के, इनको आप एक तरह से कीवर्ड के फॉर्म में बनाइएगा, ज़्यादा लंबे नोट्स मत बनाइए। क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथी आप नोट्स बनाओगे सारी बातों को अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो फिर आपको रिविजन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप एक तरह से कीवर्ड नोट कर सकते हो, किसी 5 एरिया हो गए वो नोट कर लिए, फिर चाइना की ग्रोथ है, चाइना का लीड रोल है वो आपने नोट कर दिया, बट बजट की कोई बात नहीं। इस तरीके से आप जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनकी आप हेडिंग बना लीजिएगा, ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगे। क्योंकि देखो रिविजन के टाइम पर हमारे पास समय बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना होता है। तो आप जो भी डाटा अपने आपके पास है उसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए और जो भी कीवर्ड है उनको आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर्स हैं वो कीवर्ड पे फोकस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ड लिमिट काफ़ी एक तरह से लिमिटेड होती है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है। तो उस ऐसे माहौल में अगर हम मेन मेन कीवर्ड एग्जाम में मतलब जो आंसर है वहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारी बात है वो बन जाती है। तो इसलिए सारी चीज़ों को हमें फोकस करते हुए आगे चलना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के बारे में है। देखो ट्रंप साहब और जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग साहब, उनकी आज मीटिंग है वो होने वाली है सिंगापुर में। अब बात यहाँ पे की जा रही है कि भाई किस तरीके से दोनों के बीच में शांति मतलब दोनों के बीच के रिलेशन हैं वो इम्प्रूव किए जा सकते हैं। तो देखो अभी तो जब बातचीत होगी तभी सारे जो भी मतलब बातें सामने वो आएंगी, रियलिटी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बात ये बताई जा रही है आर्टिकल में कि भाई ट्रंप साहब है ना वो जब से इलेक्ट हुए हैं तब से उन्होंने पॉपुलिज्म की बात देख सकते हो या फिर वोटर्स को लुभाने का जो तरीका है उसको लगातार मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। देखो जब यूएसए में इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे भी ट्रंप ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए थे कि भाई हम अलग हो जाएं, हम एक तरीके से अलग हो जाएंगे, हम बाकी कंट्रीज़ को सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जिसे उन कंट्रीज़ को वो भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ ही जापान को जो ऐड वगैरह देते हैं, चाइना के साथ रिलेशंस हैं उनमें काफ़ी मतलब बातें कही थी उन्होंने। और जबकि हुआ क्या, रिलेशंस के जब भी जो ही इलेक्शन हो गए थे कंप्लीट और ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन गए थे उसके बाद भी उन्होंने जो वोटर्स को लुभाने की बातें ना इस तरीके से पॉपुलिज्म वाली बात हो गई या फिर इसके साथ एक देख सकते हो कि जो प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है जैसे कि अभी टैरिफ बैरियर लगाया है यूएसए ने, वो सारी चीज़ें लगातार सामने आती गई हैं। तो कहने की बात यहाँ पे की जा रही है कि देखो ट्रंप साहब उनका कोई भरोसा नहीं है। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील है वो साइन की गई थी, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से डील है वो चल रही थी, बट उसके बाद भी ट्रंप ने उस डील को कैंसिल वो कर दिया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सामने शो कर रही है कि भाई ट्रंप है उनको खुद को ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें आगे स्टेप उठाने हैं। तो यहाँ पे राइटर के द्वारा मेनली ये बात की जाती है कि देखो जी सेवन कंट्रीज़ हैं वो एक्चुअली काफ़ी मेन कंट्रीज़ हैं, मतलब उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उन कंट्रीज़ के अगर हाल देखा जाए तो उनके साथ अभी यूएसए ने टैरिफ बैरियर लगा दिए थे स्टील और एल्यूमिनियम पे, जिसकी वजह से उनके बीच में आपस में रिलेशंस हैं उनमें थोड़ा दरारें हैं आना शुरू हो गई है। तो राइटर का यह कहना है कि देखो ट्रंप है ना वो प्रोटेक्शन उनकी जो पॉलिसी अपना रहे हैं ना उसका मेन फायदा ये है कि वहाँ की जो जनता है यूएसए की वो एक्चुअली खुश हो रही है, क्योंकि वो क्या है वोटर्स को लुभाने का काम है वो कर रहे हैं ट्रंप साहब, और जनता को भी इसमें काफ़ी खुशी मिल रही है। बट राइटर का कहना है कि जिस तरीके से G7 कंट्रीज़ पर टैरिफ बैरियर वगैरह लगाया गया है तो कहीं ना कहीं G7 कंट्रीज़ हैं इसका भी एक्शन रिएक्शन फॉर्म है वो लेके आएंगे, मतलब वो भी कहीं ना कहीं बैरियर वगैरह लगाएंगी और इससे क्या होगा एक ट्रेड वार है वो छिड़ जाएगा। जैसे कि अभी आपको पता है रिसेंटली चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वार है वो छिड़ चुका है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो स्टील प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी रेट काफ़ी कम होती है। तो ऐसे मामले में यूएसए ने उस पर बैरियर लगा दिया, एक तरह से ट्रेड बैरियर वो लगा दिया, मतलब जो ड्यूटी वगैरह है इंपोर्टेड कस्टम ड्यूटी वो इंक्रीज कर दी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि यूएसए में जो चाइना का स्टील है वो काफ़ी कम जा रहा है, तो उसकी वजह से चाइना की जो स्टील इंडस्ट्री है उनको काफ़ी लॉस होना शुरू हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं अब चाइना है वो भी यूएसए के प्रोडक्ट हैं उन पर टैरिफ बैरियर लगाना शुरू कर दिए, तो उससे ट्रेड वार सा छिड़ गया है। और होगा क्या, इसका रिजल्ट अंत में होगा कि सभी कंट्रीज एक तरीके से एक दूसरे पर बैरियर लगाना शुरू कर देंगी और आप कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड वगैरह होना बंद हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान है वो हो सकता है। तो राइटर का कहना है कि भाई जो ये टैरिफ बैरियर वगैरह की जो प्रक्रिया है इस पर कहीं ना कहीं हमें स्टॉप है वो लगाना चाहिए और इसके बाद हमें आगे काम है वो करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप और जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, उनको अभी आपको पता ही है किस तरीके की बार वो स्टेटमेंट देते रहे कि हम देते रहते हैं कि हम आपको नक्शे से उड़ा देंगे, हम कैलिफोर्निया पर अटैक करेंगे, हम
अलास्का पे अटैक कर देंगे, अलास्का को हम हटा देंगे, ऐसी ऐसी बातें वो की जाती हैं। तो खैर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है, बट यहाँ पे मेन बात ये की जा रही है एक और, कि देखो जिस तरीके से यूएसए ईरान की न्यूक्लियर डील से पीछे हटा है, तो उससे कहीं ना कहीं किम जोंग को भी ऐसा लग रहा है कि यार क्या पता हम एक तरीके से अगर यूएसए के साथ डील तो साइन कर लेंगे, बट उसके बाद जैसे ही ईरान की न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर दिया, उसी तरीके से क्यों क्या पता हमारी डील को भी कैंसिल हो किया जा सकता है। तो मतलब इससे कहीं ना कहीं डिफरेंसेज वो पैदा हो सकते हैं, और यूएसए को अपनी जो इमेज है, जो अपनी पावर है, उसको बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूएसए अपनी जो इमेज है उसको खोता रहे, जिस तरीके से ईरान न्यूक्लियर डील में ईरान ने कुछ भी कोई भी ऐसे गलत काम नहीं किए थे, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे कि ईरान न्यूक्लियर डील हो कैंसिल हो जाए, बट उसके बावजूद भी ट्रंप ने डील को कैंसिल किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ शो करती है कि ट्रंप साहब वो पॉपुलिज्म के मेथड को आगे प्रमोट कर रहे हैं और लोक लुभावनवाद के तरीके की वजह से वोटर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश है वो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है। बाकी जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो भी देखो जब मीटिंग हो जाएगी इनकी, उसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे उनको हम आगे डिस्कस है वो करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे है, ये इंडिया और रीजनल रोल के बारे में बताया गया है कि भाई इंडिया का जो रीजनल रोल है ना वो एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है हो गया। तो इस आर्टिकल के बारे में हम देखेंगे कि इंडिया का रीजनल रोल और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से काम हो यहाँ पे कर रही है। राइटर का ये कहना है कि देखो अभी रिसेंटली 1 जून को संग्रीला डायलॉग हुआ था सिंगापुर में, तो उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने काफ़ी सारी बातें की और उन्होंने रिलेशन को इम्प्रूव करने की बात हो की। अब आपको थोड़ा ब्रीफली बताते हैं, देखो अभी आपको कोल्ड वार से हम लेके चलते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड से कोल्ड वार हुआ था उस टाइम पे, आपको पता है कि इंडिया रिसेंटली उस टाइम पे आज़ादी हुआ था, तो इंडिया के पास उस टाइम पे दो ही ऑप्शन थे, या तो इंडिया के पास एक ऑप्शन था वो था कि भाई रशिया के पाले में चला जाए, दूसरा ऑप्शन था कि यूएसए को सपोर्ट करे। बट इंडिया ने क्या सोचा कि यार अगर मैं दोनों में से अगर किसी कंट्री की एक के भी पास जाता हूँ तो मुझे उसकी कंडीशन को फॉलो करना होगा और उसकी बातें माननी होंगी, चाहे वो गलत हो या सही हो, जो भी हो। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने नेम इंडिया वो नेम को लेकर आया, नॉन अलायंस मूवमेंट जो गुट निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इंडिया न्यूट्रल रहा और इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप उठाए। खैर वो एक अलग बात है कि इंडिया का फिर भी झुकाव था वो रशिया की तरफ था, तो ये सारी बातें यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद हुआ क्या, देखो अभी रिसेंटली इंडिया के ऊपर काफ़ी बार ऐसे आरोप लग रहे थे कि यार इंडिया है ना वो एक्चुअली यूएसए के पाले में भी ज़्यादा जा रहा है, इंडिया है वो चाइना से दूर होता जा रहा है और इंडिया वो रशिया से भी कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए इंडिया के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि भाई हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और हम अपने जो डिसीजन है वो खुद लेंगे। क्योंकि देखो जिस तरीके से भी, आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल और बताता हूँ, खैर वो आर्टिकल में दिया है, जैसे कि पैलेस्टीन की बात है कि पैलेस्टीन का जब इशू आया था तो उस टाइम पे इंडिया ने एक्चुअली पैलेस्टीन को सपोर्ट किया था। मतलब पैलेस्टीन का इशू क्या था, जो कि कैपिटल थी तल अवीव इसराइल की, उसको एक्चुअली आपको पता है कि यूएसए ने शिफ्ट कर दिया था कि भाई जेरूसलम है उसकी कैपिटल है। उसके बाद इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इस चीज़ का विरोध किया और इंडिया ने पैलेस्टीन का सपोर्ट किया कि भाई पैलेस्टीन सॉरी जो जेरूसलम है वो एक विवादित सिटी है, तो वो उसको कैपिटल वो नहीं बनाना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं इंडिया ने पैलेस्टीन का साथ दिया, उसके बावजूद ट्रंप ने इस चीज़ का थोड़ा विरोध भी किया था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसराइल ने भी मतलब अनबनती बनने की कोशिश है वो की। बट इंडिया ने कहा कि देखो हमारे रिलेशंस हैं वो इस बात पे नहीं टिके हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में किस तरीके से काम हो रहा है, मतलब इंडिया है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करे, तो ऐसा नहीं कि इंडिया इजराइल के साथ रिलेशन है वो खराब कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो राइटर बता रहा है वो, कि भाई इंडिया ना वो अपने डिसीजन खुद ले रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया किसी कंट्री के प्रति बायस्ड है। इंडिया ने देखो अभी रिसेंटली आपको पता कुछ टाइम पहले क्वाड ग्रुप बनाया था जिसमें इंडिया था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था और यूएसए था। अब वो मेनली कहा जाता है कि भाई वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, बट कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली ऐसी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है वो हुई थी, उसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें भी इंडिया ने एक बैलेंस अप्रोच अपनाई, तो उससे ये चीज़ सामने आई कि भाई इंडिया है वो चाइना के, ऐसी बात नहीं, चाइना के साथ भी बना हुआ है। इसके बाद में बात की जाती है रशिया के साथ, देखो रशिया के साथ इंडिया अभी वेपन्स वगैरह खरीदने की बात हो कर रहा था, तो यूएसए ने कहा कि भाई आप रशिया से वेपन्स वगैरह मत खरीदो, अदरवाइज हम आप पे सेक्शन वगैरह लगा देंगे। तो इंडिया ने कहा कि देखो हमारी मर्जी है, हम हमारी सिक्योरिटी को खुद करेंगे और हमारी सिक्योरिटी के लिए जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आप कहोगे वैसे ही मानेंगे। तो मतलब बात यहाँ पर ये आ रही है सीधी सीधी कि इंडिया है ना वो अपने डिसीजन खुद ले रहा है और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसको एक तरीके से अपने डिमांड के अकॉर्डिंग या अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनके अकॉर्डिंग काम पर ले रहा है। और इंडिया का जो रीजनल रोल है वो भी सामने आ रहा है। देखो तो पहले ऐसा लगता था इंडिया के ऊपर आरोप कि यार इंडिया कहीं ना कहीं अभी यूएसए की साइड ज़्यादा जा रहा है, बट अभी इंडिया ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि भाई इंडिया के जहाँ पे इंटरेस्ट सब हो रहे हैं, इंडिया को जहाँ पे फायदा हो रहा है इंडिया उनके साथ चलेगा। इसलिए इंडिया ने यूएसए हुआ इसके साथ में चाइना और रशिया, इन तीनों के साथ जो भी बैलेंस अप्रोच है वो यहाँ पे लेके चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि चाइना और यूएसए के बीच में रिलेशंस अभी थोड़ी तल्खी हैं वो आ चुकी हैं, उसकी वजह से काफ़ी बाधाएं सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि देखो जो इंडो चाइना वाला एरिया है इसके अंदर भी चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही थी, पर फिर भी इंडिया लगातार उसको अग्रसर कर रहा है और इंडिया के देखो पड़ोसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इंडिया सारी बात यूएसए की मानता रहे और उसके बाद आगे बढ़े, पड़ोसी है तो इंडिया को पड़ोसी का भी ख्याल रखना होगा और जो यूएसए की ट्रेड वार जैसी पॉलिसीज हैं उनसे दूर रहना होगा।
और बाकी यूएसए को भी सॉरी जो ट्रेड पॉलिसी है, जो ट्रेड वार की कंडीशन है उससे निपटना होगा, क्योंकि यूएसए लगातार ट्रेड वार जैसा माहौल बना रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश को या पूरे वर्ल्ड को जो ग्लोबलाइजेशन की जो बात है उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए जो क्वाड ग्रुप वाली जो बात की जा रही है, फिर यूएसए का जो मतलब यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर किसी बात को लगाने मान्य करने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, वैसा पॉसिबल अब नहीं है, क्योंकि इंडिया अपनी पावर है उसको खुद यूज़ करेगा, इंडिया को जैसी डिमांड है, क्योंकि इंडिया एक सोवरिन कंट्री है तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया अपने स्वतंत्र डिसीजन है वो लेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं कि भाई इंडिया है वो सारी एक बैलेंस अप्रोच अपना के चल रहा है, किस किस के बीच में, मेनली यूएसए हुआ, रसिया हुआ और चाइना हुआ, इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में इंडिया है वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग काम है वो कर रहा है। तो इस आर्टिकल में सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद में देखो बात की जा रही है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। जो आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के जिस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई दोनों के बीच में सीज़ फायर है, उसकी बात की जा रही है कि दोनों को रिलेशनस वो इम्प्रूव करने चाहिए और सॉफ्ट पावर का यूज़ करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के इश्यूज़ है उसका इशूज़ का सोल्यूशन है वो करना चाहिए। इसके साथ इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इंडिया की आर्मी है उसको भी जम्मू एंड कश्मीर की यूथ की डिमांड को समझना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझते हुए उनका आदर करना चाहिए, अगर कोई भी उनके बीच में डिफरेंसेज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब बात यहाँ पे ये की जा रही है कि किस तरीके से जैसे तैसे कोई भी मेथड हो उस तरीके से इंडिया हुआ और जो पाकिस्तान हुआ उसके रिलेशंस को इम्प्रूव हो किया जा सके और सीज फायर का उल्लंघन वगैरह ना हो, इस प्रक्रिया पे फोकस हो किया जाए। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ पॉइंट है नहीं, केवल सजेशन जैसी बातें की गई हैं जो कि आप जानते हो मेनली एग्जाम में हमें जो कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं वहाँ पर इनका डायरेक्टली हम यूज़ है वो कर सकते हैं। तो ये थे आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।